अब मंथन आरंभ करते हैं, कई चीजें निकलती है उसमें से, उच्च श्रेवा घोड़ा, कामधेनु गाय, अंत में अमृत निकलता है। अमृत के लिए दोनों युद्ध करने लगते हैं। तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया? मोहिनी अवतार। यहां पर भगवान ने एक सीख दी कि सुंदरता के पीछे मत भागो, क्योंकि दैत्य कामी हो गए और मोहिनी रूप के पीछे जाने लगे, अमृत को भूल गए। तो जो व्यक्ति सिर्फ सुंदरता के पीछे जाता है वो अमृत छोड़ देता है, अमृत यानी गुण। तो गुणों के पीछे दौड़ो, सुंदरता ज्यादा समय तक काम नहीं आती, गुण काम आते हैं। तो सुंदरता की काम की निशानी है जो केवल बाहरी रूप को देखकर पीछे पड़ जाए। दैत्य यही कर रहे हैं भगवान। अब अंदर तो विष्णु भगवान है, वो रूप मोहिनी अवतार लिया है, वो सब भूल गए, वो अमृत भूल गए, वो समुद्र मंथन भूल गए, वो सिर्फ बाहरी सुंदरता के पीछे दौड़ने लगे। तो यहां भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। दैत्यों में से एक राहु नामक दैत्य ने भगवान को पहचान लिया, तो वो छुपकर देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो गया। भगवान ने गलती से उसको भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान को समझ आता, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम। तब से वो कौन हुए? दो राहु और केतु। इस प्रकार समुद्र मंथन होता है। अब यहां पर सब देवता ने अमृत पी लिया, तो अब युद्ध करते हैं। तीन लोग 14 भुवन वापस ले लिया। अब आगे जाके राजा बलि की कहानी आती है। राजा बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया। राजा बलि कौन थे आपको पता है? अपने पिछले जन्म में एक डकैत, जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया सिवाय इसके कि 24 मिनट के लिए भूखे कुत्ते को खाना खिलाया था। मृत्यु आती है, यमराज ने कहा क्या क्या किया? चित्रगुप्त कहे कुछ नहीं किया, केवल 24 मिनट का पुण्य किया। तो पूछते हैं पहले पुण्य भोगना चाहोगे कि पाप? वहां से शुक्राचार्य जी जा रहे थे, वो तो हार चुके हैं, उनको वापस 3 लोग 14 भुवन चाहिए। तो वो उसको कहते कि कह दो पुण्य। बलि ने कहा पुण्य? बोले क्या करना चाहोगे? बोले इंद्र आसन पर बैठना चाहूंगा। बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने कान में कुछ कहा। बोला ठीक है, इंद्र आसन पर बैठते हैं कुछ देर के लिए। तो एक बार के लिए वही वो अहंकार, वो चकाचौंध में वो पागल हो जाता है, लेकिन 10 मिनट बाद जब समझ आता है कि वो किस कारण से बैठा है, वो तुरंत हाथ में जल लेता है। गुरु जी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, सब खड़े हैं वहां पर देवी देवता। वो कहे ये 3 लोग 14 भुवन इसका मालिक अभी मैं हूं। सब कहे कि 12-13 मिनट के लिए तो हो। तो बोले ये 3 लोग 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता। 3 लोग 14 भुवन शुक्राचार्य जी को दान में दे दिया। इस कारण बलि को ही दैत्यों का राजा बनाया गया।